अमरीका में नई तारीख रकम किसी भी साबिक सदर को पहली बार फौजदारी केस में मुजरिम करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क की अदालत में हशमनी केस की समाअत हुई। ज्यूरी ने साबिक सदर ट्रंप को तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहरा दिया। साबिक अमरीकी सदर को ज्यूरी ने अदाकारा स्टॉमी डैनियल के $1,30,000 की अदायगी के इल्जाम दुरुस्त करार दे दिए। अमरीकी जज हुआन मर्चन ने 11 जुलाई को सजा सुनाने का फैसला किया। अदालत ने ट्रंप के वकील की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब ट्रंप ने ज्यूरी के फैसले के बाद बाइडेन इंतजामिया को मोरद इल्ज़ाम ठहरा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बाइडेन इंतजामिया ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। हम आखिर तक लड़ेंगे और जीतेंगे। ये लड़ाई तवील होगी, मुकदमा धांधली है। अवाम नवंबर में फैसला सुनाएंगे। अदालती फैसले से जाहिर होता है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। अमरीकी सदर बाइडेन का कहना है कि ट्रंप को शिकस्त देने का वाहिद रास्ता बैलेट बॉक्स है। ट्रंप ने गलत सोचा कि उसे नतीजे का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिपब्लिकन स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा, ट्रंप के खिलाफ फैसला अमरीकी तारीख का शर्मनाक दिन है। वो फैसले के खिलाफ अपील करेंगे और जीत जाएंगे। ज्यूरी की जानिब से ट्रंप को कसूरवार ठहराने के बाद फैसले पर ट्रंप के हामी आग बगोला। न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर ट्रंप के हामियों का एहतजाज। ट्रंप के हामियों और मुखालिफिन में हाथापाई। पुलिस ने सूरत हाल को बिगड़ने से बचा लिया। उधर अदालती फैसले के बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रंप मीडिया के हिस्से 15% तक गिर गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप मीडिया कंपनी के 65% शेयर्स के मालिक है। ट्रंप मीडिया ट्रुथ सोशल ऐप को चलाती है। कंपनी की मार्केट वैल्यू तकरीबन $9 अरब है। रिपब्लिकन्स ने हश मनी केस में ज्यूरी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। वॉशिंगटन से रिपब्लिकन रहनुमा जुनेद बशीर की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप इसराइल की गजा में जारी जंग को खत्म कराने के लिए बड़ी उम्मीद समझे जाते हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर ट्रंप के हक में फैसला आएगा। जबकि डेमोक्रेटिक लीडर बोस्टन शाहिद खान ने ज्यूरी के फैसले को अमरीका के जुडिशियल सिस्टम की मजबूती करार दे दिया। बोले, ट्रंप 34 केसेस में कसूरवार करार पाए हैं। ज्यूरी के फैसले का साबिक अमरीकी सदर की सियासी और सोशल लाइफ पर गहरा असर पड़ेगा। ये पहला मौका है कि किसी साबिक अमरीकी सदर को मुजरिम करार दे दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जेल का सामना भी करना पड़ सकता है। अदालत ने 6 हफ्तों के दौरान 22 गवाहों के बयान सुने। मुत्तफिका फैसले से पहुंचने से पहले 12 जजों ने 2 दिन तक गौर खौज किया। कानूनी माहिरीन ने कहा कि उनको कैद के बजाय जुर्माने का ज्यादा इम्कान है। ट्रंप के जुर्म की सजा 4 माह से 4 साल तक कैद है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जालसाजी के जुर्म में न्यूयॉर्क में जेल की सजा कम सुनाई जाती है। जुर्माने या प्रोहिबिशन जैसी सजाएं ज्यादा आम हैं। ट्रंप को जुर्माने के अलावा सजा मिली तो घर में कैद किया जा सकता है। ट्रंप फैसले के खिलाफ अपील करते हैं तो जमानत पर रिहा भी हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस वहीद खान दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अख्तियार किया। वज़ीर आज़म ने जजेस के हवाले से नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। वजीर आजम ने हमें काली भेड़ें कहा। फैसला पसंद आए तो जजेस ठीक हैं, फैसला पसंद ना आए तो हम काली भेड़े बन जाती हैं। नैब तलामीम केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस अतमीन अल्लाह ने कहा, हम काली भेड़े हैं तो रेफरेंस फाइल किया जाए। वजीर आजम साहब को बता दें, अदलिया में कोई काली भेड़े नहीं है। हम काली भेड़े नहीं, काले भीड़ हैं। इस पर अटर्नी जनरल ने रोस्टम पर आकर कहा, वजीर आजम ने मौजूदा जजेस के बारे में बात नहीं की। जस्टिस अतमीन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, वजीर आजम को शक का फायदा दिया जा सकता है।
वसीतर मुल्की मुफाद में 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा गड़गमाल रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया जारी। ISPR के मुताबिक कानून की अमलदारी कायम करने के लिए फौरी और शफाफ कानूनी कार्रवाई लाजमी है। रियासती इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी सियासी मकासद के लिए की जा रही है। इसका मकसद झूठ और प्रोपेगेंडा के जरिए पाकिस्तानी कौम में मायूसी पैदा करना है। कौमी इदारों बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान खलीज डालना है। फोरम के शुरका ने कहा, कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मजमूम और मकरूह अजाइम से बुरी तरह बाखबर है। इन नापाक कुवतों के मजमूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को कौम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को अफगान सरहद से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ़ुज़ात, अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर भी सख्त तहफ़ुज़ात का इजहार किया। फोरम ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्का ने कहा, बलूचिस्तान में समाजी और इक्तसादी तरक्की की ज़रूरत है ताकि बैरूनी तौर पर प्रोपोगेंडा करने वालों का मुकाबला किया जा सके। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज से प्रोपोगेंडा करने वालों की पुष्ट पनाही की जाती है। ये लोग बलोचों को अमन और तरक्की से दूर रखना चाहते हैं। फोरम ने रफा ऑपरेशन रोकने के लिए आर्मी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत की। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल के वाकयात पर तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत, बानी PTI को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल KP की लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त 4-1 से मुस्तरद की। समाअत का हुक्मनामा भी जारी। लिखा, बानी PTI ने अदालत में बात करने के लिए आधा घंटा मांगा। बानी PTI ने कहा, उनकी वकला टीम के साथ मुलाकात कराई जाए। जेल इंतजामिया वकला टीम से बानी PTI की मुलाकात कराए। अगर कोई दुश्वारी पेश आए तो अटर्नी जनरल मुआविनत फ्राहम करें। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI के शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक ट्वीट पर एक्शन। FIA साइबर क्राइम टीम का अडियाला जेल का दौरा। बानी PTI का FIA टीम से मिलने से इनकार। कहा कि किसी भी सवाल का जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। 26 मई को बानी PTI के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर प्रोपोगेंडा वीडियो ट्वीट की गई। FIA जराए के मुताबिक बानी PTI अडियाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल हैंडल प्रोपोगेंडा वीडियो अपलोड के लिए इस्तेमाल किया गया। FIA साइबर क्राइम विंग के मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से बातचीत करेगा। इस बात का तयन किया जाएगा कि वीडियो ट्वीट बानी PTI ने खुद किया या उनकी इजाज़त से किया गया। अगर अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत 3 जून को होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। 28 मई छुट्टी होने की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। मूज़ो लोड शेडिंग पर शहरी हुकूमत से खफा। मुल्क भर में बिजली की ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग पर हुकाम ने चुप साथ दी। लाहौर में बिजली की तलब 3900 मेगावाट से तजावज़ कर गई। लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 8 घंटे तक चला गया। कराची में इलेक्ट्रिक की मर्जी से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बिजली गायब। टीपू सुल्तान रोड पर 16 घंटों से बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी में शहरों ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। मुतहदा की सेनेटर खालदा अतीब और MPA सिकंदर खातून भी मौजूद थी। उधर खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। दर्जनों शहरियों ने लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन में धरना दिया हुआ है। पाकिस्तान ने दूसरा सैटेलाइट भी खला में रवाना कर दिया। पाक सेट MM-1 सैटेलाइट को चीन के शी चोंग लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया।
तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन की दुनिया में इंकलाब लाएगा। मुल्क के हर कोने में तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मुहैया होगी। टीवी नशरिया, सेलुलर फोन और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुवासलाती सैटेलाइट की लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, पाक सेट MM-1 को खला में भेजकर कौम ने एक और अजीम संगे मील उबूर कर लिया।